गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मेरे बाल बहुत गीले हैं। अभी मेरा हेयर बाथ हुआ है और साथ ही मैं टॉवल ड्राइंग का मैं वीडियो भी बनाई हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ वेट हेयर्स पे बालों को कॉम्बिंग करना मोस्ट ऑफ रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो बोला गया है मेरे को कि गीले बालों पे आप बाल बनाइएगा, कॉम्बिंग कीजिएगा, तो उसके आपको निकालो। एक्चुअली गीले बालों पे एक टिप बताना चाहती हूँ, गीले बालों पे कॉम्बिंग करना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बाल निकलने का बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको वीडियो आप इसका रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं बना रही हूँ। तो देखिए, क्योंकि स्काल्प कमज़ोर रहता है तभी हेयर बाथ करने के बाद, तो उतना अच्छा नहीं होगा बालों पे वेट बालों पे कॉम्बिंग करना। तो आराम आराम से कर रही हूँ उसके लिए। तो मास्क भी है, कॉम्बिंग और वेट हेयर्स ऐसे बोला गया है। उसमें से आप मेरा फर्स्ट टाइम कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही में शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और साथ में मेरे बहुत सारे कुकिंग वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सिंपल लेस इंग्रेडिएंट्स के मेरे वीडियो रहते हैं, रेसिपीज रहते हैं, वो भी देखिए, उसमें भी कमेंट कीजिए। और साथ में ये हेयर का वीडियो का बहुत मुझे रिक्वेस्ट मिल रहा है, तो उसके लिए मैं साथ में ये भी वीडियोस बना रही हूँ, और कुछ ब्लॉग्स भी बना रही हूँ डेली रूटीन, तो वो भी आप वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए, आगे मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ बालों को डेंटाइनिंग पोजिशन में देके। Thank you.
सो बाय फ्रेंड्स, जरूर मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।